सो हेलो गाइस सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, अभी जो टाइम चल रहा है दशहरे का टाइम चल रहा है, जो कि सर दशहरे के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं। तो गाइस सर, हमारे इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज आ रहा था, पर्सनली व्हाट्सअप पे भी मैसेज आ रहा था कि हम पंडाल में ज़्यादा मात्रा में हरण यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि सर पंडाल में जो होता है दो चार हरण से काम चलने वाला नहीं होता है। तो गाइस सर, काफ़ी सर भाई लोग का भर भर के कमेंट आ रहा था कि हम ज़्यादा मात्रा में हरण यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मिल पाए, जो कि हमारे मन में काफ़ी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो गई सर, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 हरण से लेकर 50 हरण तक चलाने वाला पावरफुल एम्पलीफायर को रिकमेंड करने वाला हूं, जो कि सर इस वाले वीडियो को देखने के बाद इजीली आप लोगों का मन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें 5 हरण चलाना है तो किस टाइप का कितने वाटेज का एम्पलीफायर लेना होगा, हमें 8 हरण चलाना है तो किस टाइप के कितना वाटेज का एम्पलीफायर लेना होगा, या हमें 10 या 15 या 20 या 25 या 30 या 50 हरण तक हमें चलाना है तो किस तरह का हमें एम्पलीफायर लेना होगा, जो कि सर इस वाले वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट में जानकारी दूंगा कि आप लोग कितने वाटेज के एम्पलीफायर पे कितना हरन चला पाएंगे और कौन सा एम्पलीफायर बेटर रहेगा हरन चलाने के लिए, जो कि सर इस वाले वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो इजीली आप लोगों को अपने हिसाब से जितना हरन चलाना होगा तो आप लोग इस वाले वीडियो के माध्यम से एम्पलीफायर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा मॉडल और कितने वाटेज का एम्पलीफायर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिंदर कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। गाइस, अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसके यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 हरण से लेकर 50 हरण को चलाने के लिए 10 बेस्ट एम्पलीफायर के बारे में, जो कि सर पहला जो एम्पलीफायर है ऊर्जा का SS250DP मोनो एम्पलीफायर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि सर इस वाले एम्पलीफायर का जो पावर है 250 वाट्स देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप लोग इस पे 50 वाट्स का हरण चलाना चाहते हैं तो इजिली 5 हरण से लेकर 6 हरण तक चला पाएंगे, जो कि काफी मस्त तरीके से चलेगा। गई सर, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो एम्पलीफायर है 250 वाट्स का है, तो आप लोग इसके पावर तक लोड दीजिएगा तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हरन में वायर का भी लोड होता है, ये मैक्सिमम जो एम्पलीफायर होता है 300 वाट्स तक पावर निकाल कर देगा, तो हर जो मोनो एम्पलीफायर होता है किसी भी मॉडल में वो आप लोगों को थोड़ा पावर से ज्यादा पावर निकाल कर देता है। तो आप लोग जिस वाले एम्पलीफायर का जितना पावर है, मान के चलिए कि 250 वाट्स का एम्पलीफायर है, तो 250 वाट्स तक ही अगर आप लोग इस पे लोड डालिएगा तो आपके हरन से काफी मस्त तरीके से आवाज निकल कर आएगा। साथ ही सर इस वीडियो में मैं केवल 50 वाट्स के हरन के ऊपर बात करूंगा, अगर आप लोग 40 वाट्स का लगाते हैं तो वहां पे 10 वाट्स माइनस होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इजिली लगा पाएंगे, उतना तो आप लोगों को इजिली पता ही होगा। अब सर इससे हम बढ़ते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर के ऊपर। तो सर यहाँ पर अगला जो एम्पलीफायर है ऊर्जा का SS350 मोनो एम्पलीफायर देखने को मिल जाएगा, जो कि सर ऊर्जा का 350 वाट्स का एम्पलीफायर है, जो कि सर आप लोग इस पे 7 से 8 हरन इजिली चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब सर हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा हेवी वाटर्स के एम्पलीफायर के बारे में, जो कि सर इस वाले एम्पलीफायर का तो काफी ज्यादा मार्केट में क्रेज है और बहुत सारे डीजे वाले भाई लोग यूज करते हैं, जो कि स्ट्रेंजर का PVT501 मोनो एम्पलीफायर है, जो कि सर जो एम्पलीफायर मार्केट में काफी ज्यादा बिकता है, जो कि इसका पावर 500 वाट्स में देखने को मिल जाएगा, और सर अगर आप लोग इस पे 50 वाट्स के यूनिट चलाना चाहते हैं तो इजिली 9 से 10 हरन चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर सर आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को न लेकर थोड़ा प्राइस लगाकर ऊर्जा का SPA 5000 EM वाला एम्पलीफायर लेते हैं, जो कि मोनो एम्पलीफायर है, तो गाइस सर उस वाले एम्पलीफायर से इस पे थोड़ा आप लोग ज्यादा लोड डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी एम्पलीफायर है 500 वाट्स का ही है, लेकिन ऊर्जा का एम्पलीफायर पे थोड़ा लोड ज्यादा भी देने पर इसका क्वालिटी नहीं फटता है, जो कि इस वाले एम्पलीफायर पे 10 से 12 रन चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए गाइस सर हम बढ़ते हैं थोड़ा इससे हेवी वाट्स के एम्पलीफायर के बारे में। तो गाइस सर अगला जो एम्पलीफायर है स्ट्रेंजर का PVT701 मोनो एम्पलीफायर है, जो कि सर ये भी एम्पलीफायर मार्केट में काफी ज्यादा बिकता है, जो कि स्ट्रेंजर का ही है, 700 वाट्स का एम्पलीफायर है, जो कि इस वाले एम्पलीफायर पे आप लोग 13 से 14 हरन इजीली चला पाएंगे, मस्त तरीके से चलेगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर सर आप लोग स्ट्रेंजर का 700 वाट्स का एम्पलीफायर ना लेकर आप लोग चाहते हैं कि ऊर्जा के साइड से ले, तो सर यहाँ पर आप लोग इजीली ऊर्जा का SS7000 मोनो एम्पलीफायर ले सकते हैं, जो कि सर ऊर्जा का 700 वाट्स का AB एम्पलीफायर है, जो कि उस वाले एम्पलीफायर से थोड़ा इस वाले एम्पलीफायर पे आप लोग 1 से 2 हरन ज्यादा
ज्यादा चला पाएंगे और साउंड भी काफी अच्छा मिल जाएगा, जो कि 14 से 15 रन इजीली इस वाले एम्पलीफायर पे चला पाएंगे। तो गाइस यार स्टेंजर भी काफी मस्त एम्पलीफायर है, अगर आप लोग ओरिजिनल लेते हैं तो स्टेंजर का भी एम्पलीफायर काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। जो कि गाइस यार इस वाले वीडियो में मैं ओहुजा और स्टेंजर का मोनो एम्पलीफायर के ऊपर बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी पता है कि ओहुजा और स्टेंजर का एम्पलीफायर काफी ज्यादा बेहतरीन हरन के लिए होता है, खासकर ओहुजा का एम्पलीफायर ज्यादा यूज होता है हरन चलाने के लिए। अब गाइस यार हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा हैवी वाटेज के एम्पलीफायर के ऊपर। तो गाइस यार आप लोग इजीली ओहुजा का SPA 10 मॉडल का एम्पलीफायर ले पाएंगे, जो कि गाइस यार ये मोनो एम्पलीफायर है, जो कि इस वाले एम्पलीफायर का जो पावर होता है 1000 वाटेज में देखने को मिलेगा। तो गाइस यार इस वाले एम्पलीफायर पे इजीली 20 से 22 रन चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर इसे सस्ता एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो आप लोग इजीली स्ट्रेंजर का PVT 1000 मॉडल का मोनो एम्पलीफायर ले पाएंगे, जो कि गाइस यार ये भी एम्पलीफायर 1000 वाटेज में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस वाले एम्पलीफायर पे इजीली आप लोग 20 रन चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा इससे हैवी वाटेज के एम्पलीफायर के बारे में। तो गाइस यार अगला जो एम्पलीफायर है ओहुजा का SPA 15000 मॉडल में देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस यार ये मोनो एम्पलीफायर है, इसका जो पावर है 1500 वाटेज देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा मात्रा में हरन के यूज करें तो इस वाले एम्पलीफायर को ले सकते हैं, जो कि इस पे 30 से 32 हरन आप लोग 50 वाटेज का चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब गाइस यार हम बढ़ते हैं थोड़ा इससे भी हैवी वाटेज के एम्पलीफायर के बारे में, जो कि गाइस यार अगर आप लोगों को पंडाल में लगाने के लिए 30 से 32 हरन से काम नहीं चलता है, आप लोग चाहते हैं कि एक ही एम्पलीफायर पे इससे भी हम ज्यादा हरन का यूज करें, तो गाइस यार आप लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और लास्ट एम्पलीफायर बचता है, जो कि आप लोग ओहुजा का SPA 25000 मॉडल में मोनो एम्पलीफायर ले सकते हैं, जो कि गाइस यार ओहुजा का सबसे काफी ज्यादा पावरफुल मोनो एम्पलीफायर में से एक एम्पलीफायर है, जो कि इससे अब आप लोगों को मार्केट में कोई भी मोनो एम्पलीफायर में हैवी एम्पलीफायर देखने को नहीं मिलेगा हरन चलाने के लिए, जो कि गाइस यार ओहुजा का 2500 वाटेज का एम्पलीफायर है, जो कि आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पे 50 से 52 हरन चला पाएंगे। तो गाइस यार 50 से 52 हरन काफी ज्यादा मात्रा में होता है, अगर आप लोग इससे भी ज्यादा चलाना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइप के दो एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं। तो गाइस यार ये रहा आप लोगों का हरन का एम्पलीफायर का कैलकुलेशन, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया, जो कि 5 हरन से लेकर आप लोग 50 हरन तक का चलाने के लिए इन 10 एम्पलीफायर में से कोई भी एक एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मस्त तरीके से चलेगा। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी एम्पलीफायर को ले सकते हैं, जितना आप लोगों का हरन चलाने का जरूरत रहेगा उसी हिसाब से आप लोग उस वाले एम्पलीफायर को ले पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। गाइस अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।